कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो कुछ भी हो सकता है, और ये मिसाल कायम की है प्रयागराज में विकलांग बच्चों ने। विकलांग बच्चों के होली खेलते देख सभी लोग दंग रह गए। मौका था होली के बहार का, होली के गीतों की धुन पर थिरकते और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए विकलांग बच्चे नजर आए, मानो पूरी दुनिया को होली के रंग में डुबा देना चाहते थे। और पूरी तरह से जश्न में डूबते हुए प्रयागराज के मशहूर डॉक्टर जीतेन कुमार जैन के नेतृत्व में सेरेब्रल पॉलिसी और अन्य स्पेशल बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए होली मिलन समारोह रखा गया। समारोह के दौरान बच्चे सभी ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए और समाज को सौहार्द का संदेश दिया। होली में विदेशी बच्चों ने भी जमकर होली खेली और रंगों से अपने आप को सराबोर कर लिया। तब ये बैठ भी नहीं पाती। आज मेरी बेटी 6 महीने मेरे यहाँ टाइम दिया और मेरी बेटी आज अपने पैर पर खड़ी हुई और आज यहाँ पे सेरेब्रल पॉलिसी का जो होली समारोह प्रोग्राम हुआ था उसमें मेरी बेटी ने खड़े होकर पार्टिसिपेट भी किया था। इसके लिए मैं बहुत बड़ी धन्यवाद देती हूँ कृष्णा फाउंडेशन को। मेरी बेटी यहाँ खड़ी होकर अपने सेल पे डांस भी किया है, होली में होली में बहुत सारे से कार्यक्रम भी किए। सेरेब्रल पॉलिसी बच्चों के लिए की जा रही है, ये बहुत अच्छा लगता है। बच्चों में से रंग गुलाल छोड़ाया जाता है, सब लोगों को बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्ट खेलते हैं बच्चे। हर साल बहुत अच्छे से मनाई जाता है। हमारे डॉक्टर जैन सर सब थेरेपिस्ट मिल के, हम वॉलेंटियर मिल के बहुत मेहनत से लगन से मेहनत करके हमेशा हर एक चीज की तैयारी करते हैं। हमारे बच्चे है, हमारे बच्चे ने परफॉर्मेंस किया, उसको ऑपरेट हुआ, फिर भी वो कहते मैं डांस करूंगा, वो बैठ के डांस किया उसने। जो होली का जो त्यौहार होता है एक प्रयागराज में तो वैसे 2 दिन चलता है, 4 दिन चलता है। इसी को देखते हुए दूसरा हमारी जो संस्था है वो सेरेब्रल पॉलिसी बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और सेरेब्रल पॉलिसी आप लोग सभी जानते हैं कि ये बच्चों की एक मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ होती है, उसमें बच्चों का उठना बैठना, देखना सूझना, समाज में शामिल हो पाना और बहुत सारी समस्याएँ होती है जिसकी वजह से परिवार उनका बहुत बुरी तरह से मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम से ग्रसित होता है और प्रभावित होता है। केवल एक उनको ट्रीटमेंट कर देने से ये बच्चे कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ना एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। और होली जैसा त्यौहार जो कि समाज की एक बहुत बड़ी पुरानी परंपरा चली आ रही है, 10 सालों से हम लोग खुद इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जो बच्चा उनका परिवार जो इस कार्यक्रम में शामिल हो जाता है वो खुशियों से उसका जीवन भर जाता है और वापस जाकर नई जिंदगी शुरू करता है और एक अपने बच्चों को नई दिशा देता है, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और इस उद्देश्य में हम सफल भी हो पाए। आज तक हजारों बच्चों इसका लाभ ले चुके हैं और अब तक देश के विभिन्न भागों से आ रही बच्चों के भागों ने यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुति की और सभी का बहुत ही मंत्रमुग्ध हुआ कि ऐसे बच्चों के परिवार भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और यही एक समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का बहुत बड़ा मार्ग है।